नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी मंगल और आप सभी का एसओ तक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक लाल किताब है जिसके असर बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके अंदर उपाय बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और खास होते हैं। यदि लाल किताब के उपाय कर लिए जाएं तो बहुत ही फायदा होता है, लेकिन अपनी राशि के अनुसार यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कौन से ग्रह का उपाय करना है। तो आज जानेंगे अपनी राशि के अनुसार हर ग्रह को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी राशि के स्वामी का उपाय हम कैसे कर सकते हैं। तो मेष राशि का स्वामी है मंगल। मंगल शुभ हो तो मिठाई या फिर मीठा भोजन आप जरूर दान करें, बतासे बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। मंगल यदि अशुभ हो तो बहते पानी में तिल और गुड़ से बनी रेवड़ियां प्रवाहित करें। मंगल के लिए साबुत मसूर की दाल दान करें, इससे लाभ होगा, आपका मंगल ग्रह ठीक होगा। और बात कर लेते हैं वृष राशि की। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है तो गऊ का दान करें, ज्वार या चने का दान करें। शुक्र के लिए दही, घी, कपूर या फिर मोती में से किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं आप। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है। तांबे के सिक्के में छेद करके उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। बुध के लिए साबुत मूंग की दाल दान करें, विशेष लाभ होगा, आपके कार्य जरूर बनेंगे। और बात कर लेते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है तो दूध या फिर पानी से भरा हुआ बर्तन रात को अपने सिरहाने के पास रखें। सुबह उस दूध या फिर पानी से बबूल के पेड़ की जड़ सींचें। चंद्र के लिए चावल, दूध एवं चांदी की वस्तुओं का दान करें, आपका चंद्र ठीक होगा। और बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि का स्वामी सूर्य है तो बहते पानी में गुड़ प्रवाहित करें। सूर्य के लिए गेहूं और तांबे का बर्तन दान कीजिए। और बात कर लेते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि का स्वामी बुध है तो तांबे के पत्थर में छेद करके उसे बहते जल में प्रवाहित कीजिए। बुध के लिए साबुत मूंग की दाल का दान करना चाहिए, इससे आपका बुध मजबूत होगा। बात कर लेते हैं तुला राशि की। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है तो गऊ का दान करें, ज्वार या फिर चने का दान करें। शुक्र के लिए दही, घी, कपूर या फिर मोती में से किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं आप। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि का स्वामी मंगल है तो मंगल शुभ हो तो मिठाई या फिर मीठा भोजन दान करना चाहिए, बतासे बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। मंगल यदि अशुभ हो तो बहते पानी में तिल और गुड़ से बनी रेवड़ियां प्रवाहित करनी चाहिए और मंगल के लिए साबुत मसूर की दाल दान करनी चाहिए, इससे आपका मंगल ठीक होगा। और बात कर लेते हैं धनु राशि की। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है तो केसर का सेवन करें, उसे नाभि या फिर जीभ पर लगाएं। बृहस्पति के लिए चने की दाल एवं सोने की वस्तु का दान कर सकते हैं आप। और बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि का स्वामी शनि है तो किसी बर्तन में तेल लेकर उसमें अपना प्रतिबिंब देखें और बर्तन तेल के साथ दान कर दें। बर्तन कांसे का हो तो शीघ्र आपको फल मिलेगा। और शनि के लिए काले साबुत उड़द की दाल और लोहे की वस्तु का दान भी कर सकते हैं। बात करेंगे कुंभ राशि की। काले कपड़े में काले तिल बांधकर कपड़े को एक कोने को सरसों के तेल में भिगोकर आप दान कर सकते हैं। शनि के लिए काली साबुत उड़द की दाल और लोहे की वस्तु का दान किया जाता है। और अब बात करेंगे मीन राशि की। तो 11 नारियल अपने आप से उतार कर बहते जल में प्रवाहित करें। बृहस्पति के लिए चने की दाल एवं सोने की वस्तु का दान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक एस्ट्रो तक चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेंगी और हम हमेशा नए नए विषयों की जानकारी लेकर आपके सामने
हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।